नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉरफेयर चैनल में। फाइनली बहुत लंबे समय के बाद अभी $46,000 के ऊपर BTC आ चुका है, लेकिन क्या ये $47,000 का एक जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करेगा या नहीं, 48 से 50 तक पहुंचेगा या नहीं, इसी के साथ ऑल्ट कॉइन्स किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं और अभी मैटिक, सोलाना और कार्डानो का आने वाले समय में क्या होने वाला है, इसको आप होल्ड करें या सेल करें, ये सब कुछ हम बताने वाले इस वीडियो में। एंड बाकी के अपडेट्स जो है, कौन से कॉइन्स आपको कब बाय करने चाहिए, कब एग्जिट करने चाहिए, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम के ऊपर। आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं वॉल्टेड ऑफिशियल और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वॉल्टेड डिस्कस, दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ डिस्कशन भी कर सकते हैं किसी भी कॉइन या टॉपिक के बारे में और इसी के साथ आप कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। ऑल्ट्स की बात करने से पहले हम बिटकॉइन की ही बात कर लेते हैं, तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो और हमारे चैनल वॉरफेयर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अब तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहें। बिटकॉइन की मैं थोड़ी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा कारण है जिस कारण बिटकॉइन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका रीज़न यही है कि बिटकॉइन एक्सचेंजेस के जो रिजर्व्स हैं वो नवंबर 2020 से भी लोअर चल रहे हैं, यानी कि जो रिजर्व्स एक साल पहले थे लगभग उससे भी नीचे ही चल रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरा मानना यह कि अगर ये $40,000-41,000 के ऊपर है तो पूरी मार्केट अभी भी बुलिश है। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं जो इसके रिजर्व्स हैं वो बहुत ही लो चले गए हैं, करीब 10,000 के आसपास। लेकिन बिटकॉइन नहीं गिरा क्योंकि इसकी जो सपोर्ट है $42,000 के आसपास वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, यही कारण है कि आज थोड़ा सा बाउंस किया बिटकॉइन और हमने देखा इसको 40,000 प्लस में। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी जो बाइंग है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। आप देख सकते हैं 13 तारीख और 14 तारीख में बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है, यही कारण है कि हमें 6 ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली है 4 आर के चार्ट में। अभी बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट होता जा रहा है और इसके बाद अभी जो डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये ब्रेक होने के बाद हमें बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। तो सितंबर का मंथ हमें पहले ही पता था कि सप्लाईज कम होने वाली हैं, प्राइस डंप होने वाला है, तो ये अभी चल रहा है। लेकिन अक्टूबर में हमें अगर $50,000 प्लस दिखता है तो उसके बाद क्या कि ब्रेकआउट होने वाला है और ये $1,00,000 को टारगेट करेगा 2021 के अंदर। मैंने आपको पिछले बिटकॉइन के वीडियो में बताया था कि अभी जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिनके पास करीब 13 मिलियन बिटकॉइंस है, यानी कि 80% सप्लाई लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास है और वो इसको सेल ऑफ नहीं कर रहे हैं बल्कि इसको होल्ड करके बैठे हैं क्योंकि उनको पता है कि यही एक बाइंग रेंज है और इसके बाद बहुत बड़ा बूम आने वाला है। सोलाना और कार्डानो की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक और आखिरी चीज़ बता देता हूँ गोल्डन क्रॉस के बारे में। तो हमने पिछले समर्स में देखा कि डेथ क्रॉस आया था, तो डेथ क्रॉस के बाद नेगेटिविटी वैसे भी फैली हुई थी, मार्केट डंप थी पूरी, और भी ज़्यादा बेरिश मार्केट हमने देखी है। अभी उल्टा होने वाला है, गोल्डन क्रॉस आने वाला है और गोल्डन क्रॉस के बाद पूरी संभावना है कि बुलिश सिग्नल बनेगा और पूरी मार्केट बुलिश होने वाली है। एक और चीज़ हमने डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में कि इसका जो टोटल मार्केट कैप है क्रिप्टो का वो $2 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है और इसकी जो आखिरी सपोर्ट है वो $1.75 ट्रिलियन के आसपास है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि ये ब्रेक नहीं होने वाला, ब्रेक ना होने की वजह से इसका जो मार्केट कैप है वो बढ़ता जाएगा। इन्हें शॉर्ट नोट सिर्फ मेरा यही मानना है कि अगर $47,000 पहुंचता है तो उसके बाद 50,000 तक नहीं रुक सकता बिटकॉइन का प्राइस और हमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी सभी ऑल्ट कॉइन्स में। अब हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, मेनली कार्डानो, सोलाना और मैटिक। कार्डानो की बात करें तो फाइनली इसका जो एक अलोंजो अपग्रेड वो सक्सेसफुल हो चुका है। लास्ट टाइम जो उन्होंने ट्राई किया था टेस्टनेट में वहाँ ग्लिच फाउंड किया गया था जिसकी वजह से प्राइस 10-15% गिरा था, लेकिन अभी बहुत बुलिश चल रहा है कार्डानो। आप इसको ऐसा मत सोचो कि 1 या 2 दिन में प्रॉफिट मिलने वाला है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट रहने वाला है। आज के आपके 100 कॉइन्स भी खरीदे हुए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। अभी ये $2.3-$2.4 के आसपास चल रहा है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकआउट के बाद $3 तक की रैली लेने वाला है। नेक्स्ट अगर हम कॉइन की बात करें तो वो है मैटिक। तो मैटिक में बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि मैटिक में कुछ खास पंप नहीं देखने को मिला है, अभी भी करीब $1.3 के आसपास है। हालांकि पिछले 24 घंटे के अंदर हमने 7-8% का इंक्रीज देखा है, लेकिन ओवरऑल ये बुलिश कॉइन है। तो जैसे अपने ये रेजिस्टेंस $1.68 को ब्रेक करेगा उसके बाद ये $2.50 तक जाने वाला है, लेकिन अगर ये $1.2 तक पहुँचते तो इसका जो बुलिश पैटर्न है वो फेल होने वाला है। फिर भी पूरी उम्मीद है कि अगर बिटकॉइन इसी तरीके से चलता रहा तो वो मैटिक को भी बहुत आगे ले जाएगा। लास्ट हमारा ऑल्ट कॉइन जो हमने डिस्कस करना है वो है सोलाना। तो सोलाना ने हमें 4-5 गुना तक का प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है, जिन्होंने एग्जिट कर लिया शायद वो अच्छे भी रह गए, लेकिन अभी दोबारा एंट्री आप कर सकते हैं। मैं अभी भी मानता हूँ करीब $150-$155 के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं एंड इसमें आप होल्ड भी कर सकते हैं एंड आपको प्रॉफिट जो क्विकली मिलेगा वो इवेंट से मिलने वाला है और अपडेट्स और कॉल्स मैं आपको दूंगा हमारे टेलीग्राम के ऊपर ताकि आप यहाँ एकदम से अच्छा प्रॉफिट कमा पाओ। वॉरफेयर ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, वॉरफेयर डिस्कस हमारा ग्रुप है,
दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अभी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि अब तक सारी हमारी अपडेट साथ के साथ पहुंचती रहे। लेकिन आपके क्या मानना है, बिटकॉइन का प्राइस क्या $47,000 को अभी क्रॉस करेगा या नहीं? कृपया नीचे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो को किस कॉइन या टॉपिक के ऊपर चाहिए भी नीचे कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉरफेयर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अब तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, वॉरफेयर साइनिंग ऑफ।